अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर कादरी। आप देख रहे हैं सावन नेटवर्क न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं पुलिस खिदमत सेंटर मरकज़ में। यहां पे काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हल होते नज़र भी आ रहे हैं, और इस हवाले से एक साइल यहां पे पहुंचे हैं इंचार्ज जो हैं असमतुल्लाह साहब के पास। तो इनसे हमारी मुलाकात हुई, इनसे हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपका। तो हमने ये मुनासिब समझा कि इनका जो मसला था वो आप तक हम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक खरीत है जी। तुम्हारा क्या मसला है? तुसा तुम्हारा इसमें ग्राम में क्या है? मोहम्मद रफ़ी। अच्छा अच्छा, तो तुसा की में तशरीफ गिन आया वेता? ये घरेलू झगड़े की वजह से शरीफ गल के आया। ये 15 से कॉल करी दी रही, मैंने पकड़ के लेवल 6-7-5-8 बार तब मैं थाने जो के आया। अच्छा, इतना वक्त को रिलीफ मिला असमतुल्लाह साहब को? तुसा मिले हुए? मैं आज मिला ना जी। अच्छा जी, हाँ आज मैंने फोन किया, पहले कम लगा रहा मैं नहीं आया। अच्छा अच्छा, हाँ आज ने फोन करे सुन तो तुम आ वही। ठीक है, तो हूँ तो आपको इतना तुम्हारा मसला हल होगी? मसला हाल के दरखास्त और लिखो बाहर लिखे। अच्छा, अच्छा। बस यानी मसला हाल ठीक है ना जी। ते क्या पैगाम? मेरी मेरी जेड़े मेरे नाल तावा नहीं रखी थी, मेरे नाल बोल ली रही है, लेकिन वो बोलती उस वक्त जले पैसे गिरने आवन था। लेकिन हुन ता असमतुल्लाह साहब जिम्मेदारी चाहिए बैठे ना भी असमत है। अच्छा अच्छा, मेरी बीवी का नाम भी असमत है। अच्छा चलो जी, अल्लाह ताला तो सलूक देवे। हुन असमतुल्लाह साहब होनी जे रहना ये जिम्मेदारी चाहिए। बीवी मेरी का नाम भी असमत है, लेकिन अपने ना दे मुताबिक जरा नहीं ख्याल रख से वो लाज रखी बैठे असमतुल्लाह साहब के नाँ की। तो तुसा जो इतना आए वे इंचार्ज साहब का तो रवैया सही है? बंदा अच्छा आदमी। अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारे मसले सुने ने? जी मसले सुने। हूँ तुम्हारे मसला हल हो गए, तुसा मुतमईन नहीं वे? मैं मुतमईन है, लेकिन बीवी मेरी जी है मेरे लाल कंप्रोमाइज नहीं करे दी। वो तो गल भी नहीं करे दी, मैंने पानी का गिलास तक नहीं ले दी। नहीं सही, नहीं वो तो इन्हों के फाइनल ठीक है। तुम्हारे मसले आधे नहीं पे जी, असा लिखवा गिंदे इन्हों को मामला हल ठीक है, आधे नहीं पे जी। अच्छा अच्छा, तो इतना अमले का रवैया ठीक है? इतने अमलेदार रवैया ठीक है। मैं कभी कॉल नहीं की, इन्हें कॉल की मैंने पकड़ के ले गए। मैं पूरी पूरी दिल में बैठ रही हाँ, इतने मेरी बीवी की वजह तू मेरे बिरा मेरे घर आए मेरे सारे नहीं नाते लड़ दी है उन्होंने। घरेलू मामला चलते रहते हैं जी। इंशाल्लाह तुम्हारा मसला ये इसे वास्ते मेरे ख्याल सेंटर बनाया गया कि दो लड़े हुए को आपस जोड़न वास्ते। असा हूँ जो ना अस सारा मामला डिठा है, तो साकू बड़ा अच्छा लगे कि तुसा साकू पहले दसा कि मेरा मसला हल हो गई। तो हूँ तुसा मुतमईन नहीं वे? मैं मुतमईन है, लेकिन मेरी बीवी मेरे लाल कंप्रोमाइज कर सी। वो करे सी? मैं मैंने गल करा जी, गल मेरी गल ही नहीं। पुलिस वाले मुतमईन की थी बैठे जी, हूँ इन्हों को पूछ दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक है खैरियत से? हमने आपके जो हस्बैंड हैं उनकी सारी जो है ना गुफ्तगू सुनी हमने, तो आप खिदमत मरकज आई, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? इस खर्चे के पीछे नहीं देंदा खर्चा, इसे बस से आई हूँ और किस साथ जाएंगे। लेकिन हूँ तो उन्हें तुम्हारे मसले हल करवा छोड़े ना? करवा रही थे बस, हूँ मैं कुछ ना आख सकी आख सकी भाई, चुप करके खर्चा दे बेचा मैंने। ठीक है, मैं और कुछ ना दी। अच्छा, पुलिस खिदमत मरकज के बीच आके तो कि लगे तुम्हारे मसायल हल थे? बस मसला ये हल थी है जब खर्चा लिखा गया 5 तारीख तक। ठीक है ना? ठीक है, 5 तारीख तो नहीं तो सवाल मैं तो यहाँ पड़ सा। तो इतु अमले का रवैया और खसूस जो इंचार्ज हैं उन्होंने तुम्हारे नाल कैसा बर्ताव किया है? जी ठीक है। अच्छा हाँ जी, तो सब मुतमईन नहीं वे? जी ठीक है। नाज़रीन, आप गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। ये वो साइलिन हैं जो खिदमत मरकज आए। खिदमत मरकज का असल मकसद भी यही है कि दो जो लड़े हुए हैं उनको आपस में जोड़ना। तो आपने दोनों मियाँ बीवी की गुफ्तगू सुनी, तो इंशाल्लाह इसी तरह यहाँ पे सुलह का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।